शारदा रोज वैली और नारा घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों का तबादला। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी रोज वैली पीड़ित निवेशक साथियों का हमारे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि चिटफंड की न्यूज़ हम अक्सर आपको देते रहते हैं। दोस्तों, ऐसी न्यूज़ हमारे पास फिर आई है जो रोज़ वैली चिटफंड घोटाले से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या है। ये अपडेट हमारे पास 17 जून 2020 को आई है। दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि ये लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। चलिए दोस्तों, न्यूज़ शुरू करते हैं। न्यूज़, केंद्रीय जांच ब्यूरो बृहस्पतिवार को अपने 4 अधिकारियों का कोलकाता शहर में से तबादला कर दिया। इन चारों में से 3 DSP और 1 इंस्पेक्टर है। ये अधिकारी शारदा रोज वैली और नारद टेप घोटाले की जाँच में शामिल थे। आगे खबर है कि CBI प्रवक्ता ने बताया कि नारदा टेप मामले की जाँच कर रहे DSP रंजीत कुमार, शारदा पौजी घोटाले की जांच में शामिल DSP तथागंत वर्धन और रोज वैली चिटफंड घोटाले की जांच में शामिल DSP चोजोम शेरपा का तबादला किया गया है। इसके अलावा इंस्पेक्टर ब्रिटेन घोषाल का भी तबादला किया गया है। ब्रिटेन घोषाल का तबादला रोज वैली चिटफंड मामले में पूर्व जांच अधिकारी हैं। रंजीत और तथागत को नई दिल्ली शेरपा में को भुवनेश्वर भेजा गया है। उन्होंने बताया कि यह नियमित तबादला प्रक्रिया है और तबादला नीति का हिस्सा है। तबादला किए गए अधिकारियों ने बताया कि यह व्यापक पैमाने पर किया गया है। उन्हें नहीं पता यह नियमित प्रक्रिया है या नहीं। इस महीने की शुरुआत में जांच एजेंसियों ने DIG अभय कुमार सिंह को कोलकाता की विशेष अपराध शाखा नई दिल्ली स्थित अपराध शाखा विक में तबादला कर दिया था। इसी तरह कोलकाता की आर्थिक अपराध चतुर्थ में तैनात SP पार्थ मुखर्जी का तबादला नई दिल्ली में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल नीति मुख्यालय में कर दिया गया। मुख्यमंत्री चिटफंड मामले की जांच कर रहे थे। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।